अगर ये वैकेंसी 10 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं तो बीजेपी को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारा कोई भी समर्थन यूपी में बदलाव होगा। हमें चाहिए 97,000 और बाबा को दे देंगे ठिल्लू, तो बाबा जी को भी दिक्कत आएगी। फिर सरकार से बस यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी रोजगार का कुछ करें, क्योंकि ऐसे सीटेट या यूपीटेट कराने से कुछ नहीं होगा। जो करना है रोजगार दो, क्योंकि सभी की आर्थिक स्थिति खराब है और जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से और ज्यादा रोजगारों की मतलब बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह 3 साल न तो पेट करा लिया न तो उसकी वैकेंसी है। योगी जी ने सभा संबोधित की जिसमें कहा कि पुलिस की वैकेंसी है 26,000, उनका अभी तक ना कोई नाम लिया गया, ना कोई पता है, ना आता है, कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से सरकार से मेरी खास करके रिक्वेस्ट है हम सभी विद्यार्थियों की कि भर्ती समय पर कराएं। ये प्रचार प्रसार के लिए तुम अपने लिए तो दो, हमारे लिए तो क्या है कि 200 या मतलब फिक्स कर दिए कि बारात में 200 से ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। देखिए रैलियां 4 से 5 लाख चल रही हैं, 3 लाख की हो रही हैं, उससे कोई कोरोना नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है आपको, लेकिन परेशानी सारी हमारे लिए हैं जितनी भी हैं। अब मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि कोरोना जा चुका है, ओमिक्रॉन आ चुका है, तो कृपया ओमिक्रॉन का बहाना लेके आगे की वैकेंसी ना रोकें, जो भी हैं कंटिन्यू रखें। बस हमारी सरकार से यही अनुरोध है। नहीं सर, हम तो हमने सीधा सोच रखा है कि अगर वैकेंसी 10 तारीख से पहले नहीं आई पुलिस की या जिसकी भी, अब जिनका लास्ट फंडा बस यही बचा है कि 26,000 पुलिस वाली, अगर ये वैकेंसी 10 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं तो बीजेपी को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारा कोई भी समर्थन यूपी में बदलाव होगा, चाहे हम वोट डालें नोटा को, लेकिन किसी भी सरकार को हम वोट नहीं देंगे। ठीक है, हरावे बाहर डालेंगे हम। बस हम यही कहना चाहेंगे जी भैया, बताओ सर, सरकार हमारी योग्यता के मतों को समझे, अगर नहीं समझेगी तो हमने भी अपना मन बना लिया है, मत बना लिया है, मत वहीं करेंगे जहां हमारी बुद्धि काम करेगी, मत काम करेगा। क्योंकि जो हमारी योग्यता को नहीं पहचानेगा, जो हमारे समय को नहीं पहचानेगा, हम उसकी सरकार के हम उसे ही नहीं पहचानेंगे। अगर योग्यता है हमारे पास तो उसका कम से कम मूल्यांकन टाइम पे कराइए, मूल्यांकन के साथ साथ कम से कम ये देखिए कि हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं उनमें हम निखरते हैं या नहीं हैं। तो आप ये क्या चक्कर है, आप टेट करा रहे हैं और 2 घंटे बाद आप उन्नाव में रैली दे रहे हैं वहाँ पर, और आपको कैसे पता चल जाता है कि पेपर आउट हो गया, लीक हो चुका है, उसको रद्द कराना है, क्या कराना है? अब हैं चंद मिनटों के लिए पेपर दे दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है। हमारा पेपर हुआ था शुक्रवार में सर, तो हमारा 118 नंबर सही आ रहा है, लेकिन पूरा पेपर हमारा जमा भी हो गया है और वो आंसर की जो होती है वो भी हमारे पास है, लेकिन मतलब पेपर निरस्त करा दिया गया। अब बताइए सर, इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हमारे भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मतलब ऐसा अगर हुआ तो बाबा जी को भी दिक्कत आएगी फिर। हाँ बिल्कुल, और ये ना सोचे कि मतलब हमारा परिवार, हमारा छात्र संघ का परिवार, हमारे भावी शिक्षकों का परिवार काफ़ी बड़ा हो चुका है अब, ये तो जानते हैं। कम से कम नॉर्मली अभी शिक्षा के मतलब टेट के पेपर में भी कम से कम 25 से 23-24 लाख फॉर्म पड़े थे, तो उनके अनुसार अगर उनका बच्चा 22-23 लाख बच्चे घूमेंगे तो उनके माँ बाप भी तो वोट नहीं दे सकते। तब 22 लाख के माँ बाप अगर दूने कर दिए जाएं सर, तो कम से कम 10-20 सीटों की तो वैसे भी हान कर सकते हैं हम लोग। युवा इस सरकार से खिलाफ है। हाँ हमें चाहिए, चलिए चलिए ठीक है, रोजगार ठीक है सर। बस यही कहना है कि सरकार हमारी मांगों को न समझे, केवल हमारी योग्यता को समझे और हमारे समय को समझे। 97,000 हमें चाहिए और 97,000 सच्चे करो, 17,000 हमें चाहिए, 97,000 बाबा को दे देंगे ठिल्लू। लेखपाल भर्ती नहीं आ रही है, कब से वादा कर लगा था, झड़ी लगाए वादों की 2 साल से, फिर भी नहीं आ रही भर्ती। बीजेपी से नाकुश बिल्कुल लेखुश बिल्कुल नहीं साहब, उत्तराखंड में ही भेजना है बाबा को, तो देना ही नहीं है। क्यों कि हम बार बार परीक्षा दे देते हैं, करिए मान लो हमारा सीटेट भाई जो भी देने आए इनका शायद ही किसी का 50 किलोमीटर के दायरे से कम में होगा। हमारे साथ कई घटनाएं घटती हैं, किराया भाड़ा भी है, कई जिम्मेदारियों परिवार के भी हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, कैसे करते हैं। अलीगढ़ मंडल में सेंटर बनाए गए जबकि हम अलीगढ़ के रहने वाले, हमारा सेंटर फर्स्ट चॉइस अलीगढ़ था, अलीगढ़ ना बना के आगरा क्यों बनाया गया? अलीगढ़ जाइए, वैसे सरकार कहती है कि COVID-19 आ गया, लॉकडाउन लगना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमारा सेंटर अलीगढ़ क्यों नहीं डाला था जब सेंटर अलीगढ़ में? हाँ सफर किया है सरकार के खाते में, मैं तो अपने पर्सनल, वो तो सही है, पर्सनल वाहन से आया, पेट्रोल डलवाया है मैंने, वो भी सरकार के खाते में गया है। लॉकडाउन कहाँ गया इनका? इससे कोरोना फैलेगा नहीं फैलेगा? इससे कोरोना फैलेगा, अगर सेंटर अलीगढ़ होता हमारा तो नहीं फैलता। हाँ चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।